रेलवे का सारा अपडेट पाने के लिए, जैसे कि कैंसिल ट्रेन, न्यू ट्रेन और रेलवे का इंटरलॉकिंग और विद्युतीकरण का कार्य जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा वीडियो अपडेट है, आखिर कब से साहिबगंज सेक्शन पर इलेक्ट्रिक इंजन से चलेगी ट्रेन। भागलपुर से साहिबगंज रेलखंड पर इलेक्ट्रिक इंजन अपडेट जानने के लिए यह हमारा वीडियो पूरा अवश्य देखें। भागलपुर क्यूल रेलखंड पर इलेक्ट्रिक इंजन से ट्रेन का परिचालन शुरू होने के बाद रेलवे का पूरा फोकस भागलपुर साहिबगंज सेक्शन पर है। रेलवे की कोशिश यह है कि 2020 के मई महीने तक इस सेक्शन पर इलेक्ट्रिक इंजन से ट्रेन परिचालन शुरू हो जाएगा। इस रेलखंड पर तेजी से विद्युतीकरण का काम किया जा रहा है, साथ ही गड्ढा खोदने के बाद साहिबगंज की तरफ से पोल लगाने का काम शुरू किया गया। विद्युतीकरण का काम पूरा होने के बाद मालदा मंडल का यह सेक्शन पूरी तरह तैयार हो जाएगा। इसके बाद इस ट्रेन पर ट्रायल किया जाएगा एवं मालगाड़ी को गुजार के इसका परीक्षण पूरा कर लिया जाएगा। इस खंड में चलने वाली ट्रेनों में डीजल के साथ एवं डीजल के स्थान पर इलेक्ट्रिक इंजन लग जाने से ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी और समय की बचत होगी। कम समय में यात्री अपनी यात्रा को पूरा कर सकेंगे। तो चलिए जानते हैं भागलपुर सेक्शन और साहिबगंज के बीच कितने किलोमीटर का विद्युतीकरण का काम किया जाना है। भागलपुर से साहिबगंज के बीच 153 किलोमीटर का विद्युतीकरण का कार्य किया जाना है। इसके साथ ही यहाँ पे पोल लगाकर वायरिंग का काम किया जाएगा। तो ये था आज का हमारा लेटेस्ट वीडियो अपडेट। इसी तरह के और भी लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।